नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश के यूपी एडिशन में। और आज हम आपको लेकर पहुंचेंगे बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा में। वहां पर किस तरह का चुनावी माहौल है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुद वहां की आवाम से कुछ लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि वो प्रत्याशी के तौर पर किसको अपना विकल्प चुन रहे हैं। तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव मतदान का दिन जो है वो बेहद नजदीक आ रहा है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरा दमखम दिखा रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है, आम जनता से मुलाकात की जा रही है, आम जनता के बीच प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आप लोगों का विकास करेंगे, आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन जनता ने तो मन बना लिया है कि आखिर उन्हें किसे चुनना है और किसे नकारना है। तो आज की सिकंदराबाद विधानसभा सीट, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। दरअसल 2017 में बीएसपी यहां से जीती थी और आपको बता दें कि 2017 में बीजेपी जीती है, बिमला सिंह सोलंकी वो विधायक है यहां से, और दो बार यहां से कांग्रेस जीती है, एक बार जनता पार्टी, दो बार जनता दल, एक बार सपा, दो बार बसपा और दो बार बीजेपी। यानी कि अगर इस बार भी बीजेपी जीतती है तो ये हैट्रिक बीजेपी की सीट पर होने जा रही है। और 3 लाख से ज्यादा यहां पर मतदाता हैं, जिनमें से 1 लाख कुछ पुरुष हैं और 1 लाख कुछ महिलाएं बताई जा रही हैं। यानी कि उतनी भागीदारी पुरुषों की है तो उतनी भागीदारी महिलाओं की है। फिलहाल विमला सिंह सोलंकी को आम जनता कितना पसंद कर रही है ये तो खैर हम दो बार से देख ही रहे हैं, क्योंकि वो दो बार यहाँ पर विधायक रही हैं लगातार, और अगर इस बार वो जीती हैं तो तीसरी बार वो विधायक बनेंगी। कितना विकास हुआ है, कितना कामकाज यहाँ पर हो रहा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, आम जनता मेरे साथ जुड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा तो कुछ तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। जाम की समस्या यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये मुख्य समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर शहरी इलाकों की हम बात करें तो शहरी इलाकों में विकास दिखाई देता है, ग्रामीण इलाकों में कितना विकास हुआ है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आम जनता मेरे साथ जुड़ गई है, चलिए उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। दो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, एक का परिचय आपसे करा देती हूँ, इकरान खान उनका नाम है। दूसरे मेहमान जो मेरे साथ जुड़े हैं अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मुशीर पठान। मुशीर पठान, चलिए सबसे पहले मैं इकरान खान जी के पास जाऊंगी। इकरान खान जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि सिकंदराबाद विधानसभा में आप किस तरह से विकास की गति को देख रहे हैं। मैं बताता हूँ जी, विधायक जी जो है गौतम बुद्ध नगर से जितनी भी सड़कें हैं सब में गड्ढा हो रहा है, अब भी गड्ढे पूरे ऐसे ही हैं, अभी तक भी आप देख रहे हैं जनता जाम में फंसी हुई है। और आपको बता दें जितने भी टूल टैक्स तो वसूल रहे हैं, लेकिन उनमें भी अभी तक गड्ढे की सारी जितनी भी सड़कें हैं सब गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। यानी सड़कें दुरुस्त नहीं है, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है 5 सालों में, नहीं हुआ है। विमला सिंह सोलंकी यहां से 2017 में जीती हैं, उससे पहले भी वो जीत चुकी हैं और इस बार अगर वो जीती हैं तो उनकी हैट्रिक होने जा रही है। उनको जनता कितना पसंद कर रही है, अगर वो नहीं कार्य कर रही है तो दो बार से कैसे लगातार विधायक है। इसीलिए इनका अब की बार टिकट कट गया, विकास की कमी रही। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या है जिनका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए? पहली युवाओं के लिए स्टेडियम, रोड़ों का दुरुस्तन क्रम, देखिए हंसिए मत, समस्या जो है वो बताइए। ठीक है, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है जी, समस्या बताइए ना, समस्या क्या है, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समस्या उजागर हो ताकि आम जनता तक ये संदेश जाए। हमारे यहाँ पे जो है जाम की समस्या सबसे ज्यादा है और सड़कें सबसे ज्यादा, रास्तों के ऊपर अभी विरोध हुआ था,
विमला विधायक जी का सिकंदराबाद में। चलिए ठीक है, हम दूसरे मेहमान का रुख करेंगे, दूसरे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए ये बताइए कि आप सिकंदराबाद विधानसभा को कितने बखूबी जानते हैं? क्या मैम, क्या आवाज नहीं आ रही मैम, क्या करें? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैम, आप बताइए क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं? देखिए आपसे मैं बाद में बात करूंगी, एक दूसरे मेहमान भी मेरे साथ बने हुए हैं। पहले अपना नाम बता दीजिए और फिर ये बताइए कि सिकंदराबाद विधानसभा में आप विकास की गति को कैसे देख रहे हैं? मैम, विकास की गति की जहां पर बात है, देखो यहां से 3 किलोमीटर दूर जोखोबाद फैक्ट्री एरिया है और यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर नोएडा NCR पड़ता है। यहाँ पर के जबकि युवाओं की बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रियल काम नहीं हुआ है, ना ही तो कोई इंडस्ट्रियल काम हुआ है, ना ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का काम हुआ है, ना ही कोई शिक्षित काम हुआ है। तो आपको क्या उम्मीद है इस बार, आपने क्या मन बनाया है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, अब तो मतदान का दिन भी बेहद नजदीक आ गया है? मैं मन बनाने की जहां तक बात है, युवा जितना बेरोजगार है, जितना शिक्षित बेरोजगार है, शिक्षित खुद अपना जवाब बोर्ड से देगा और अपने सिकंदराबाद विधानसभा में परिवर्तन चाहता है। यानी इस बार बीजेपी को नापसंद जनता कर रही है? जी जी जी, क्योंकि अब लगा लीजिए इंडस्ट्रीज एरिया में एक भी फैक्ट्री का काम नहीं हुआ, कोई भी इंडस्ट्रियल काम नहीं हुआ जो पिछले कई सालों में होना चाहिए था। देखिए अगर सिकंदराबाद विधानसभा की मैं बात करूं तो कुछ तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वहां पर, अभी एक और मेहमान मेरे साथ बने, उनका कहना है कि जाम की समस्या सबसे ज्यादा है। आपके हिसाब से यहां पर सबसे ज्यादा समस्या क्या है? देखिए आपने फैक्ट्री का जिक्र किया है कि फैक्ट्री में काम नहीं हो पा रहा है, नोएडा NCR बेहद करीब है यहां से, उसके बावजूद भी विकास नहीं हुआ है, और क्या समस्या हो सकती है जो मूलभूत समस्याएं हैं जो आम जनता तक जिनका निवारण होना चाहिए? मूल समस्या यही है, जैसे कि नोएडा NCR करीब है और दिल्ली NCR करीब है, रोड की सबसे बड़ी समस्या है, इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी समस्या है, चिकित्सालय होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज की आप बात कर रहे हैं कि ये कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। देखिए अगर मैं आबादी की बात करूँ तो 3 लाख से ज्यादा की आबादी है सिकंदराबाद विधानसभा की, इतने मतदाता यहाँ के हैं जो अब वोट डालने जा रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर आप कह रहे हैं कि युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है, तो इस बार का युवा क्या सोच रहा है? क्योंकि पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं कि सरकार ये कह रही है, जो सत्ताधारी पार्टी है, कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, हम विकास की बयार बहा रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने की जहां तक बात है, आप भी देख रहे हैं कि यहां पर कितने इंडस्ट्रीज हैं, यहां पर एक भी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लागू किया गया, ना ही किसी युवा को, शिक्षित को रोजगार दिलाया गया। तो किस पर विश्वास जताएंगे इस बार? देखो विश्वास तो जताने को हम कह नहीं सकते, लेकिन परिवर्तन के बाद किसी और पे भी यकीन किया जाएगा। तो परिवर्तन के लिए कोई तो विकल्प होगा आपके सामने कि हाँ हम इससे परिवर्तन कर सकते हैं? बेरोजगारी हमारे पास विकल्प है, हम बेरोजगारी से परेशान होकर परिवर्तन चाह रहे हैं। और विकल्प के तौर पर कौन सी पार्टी आपको सही लग रही है कि ये पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आप लोगों का विकास होगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी? जैसे कि अखिलेश जी RLD गठबंधन से वादा कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिलेगी और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी किसानों का वगैरह। देखो ना ही तो हमें किसानों से कुछ लेना, ना ही हमें बिजली फ्री लेनी, हमें बस रोजगार की चिंता है। जितना भी शिक्षित नौजवान है हमारा सारा बेरोजगार है। अच्छा, तो फिर आप तो ये कह रहे हैं कि इन 5 सालों में युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, और क्योंकि जब 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले यही नारा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। अब आप कह रहे हैं कि हम जो गठबंधन निकलकर सामने आया है सपा का, रालोद का, उस पर विश्वास जता सकते हैं, तो वो भी तो जुमलेबाजी हो सकता है ना? तो फिर सरकार युवा उसे भी ऐसे ही नकारेंगे? 5 साल तो फिर भी युवाओं के खराब हो जाएंगे। देखो 5 साल ये खराब हो गया, अभी आपने देखा कि टेट की परीक्षा लीक हुई, अभी आपने देखा रेलवे की परीक्षा लीक हुई, ये हमारे 5 साल यूं ही खराब हो गए।
तो 5 साल आप मतलब आपके लिए समय कोई मायने नहीं रखता है? समय इतना मायने रखता है कि 5 साल अब खराब हो गए, अगर वो जुमलेबाजी करते तो फिर हम यकीन करें तो किस पे करें, क्योंकि इस सरकार ने तो पूरे 5 साल खराब कर दिए। यानी मजबूरी है, दूसरा विकल्प चुनना मजबूरी है। बिल्कुल मजबूरी है। इकरान जी, क्या आप जो हमारे दूसरे मेहमान हैं उनकी बातों से सहमत है? जी जी, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। आपके लिहाज से भी सबसे बड़ी समस्या सिकंदराबाद की यही है? हाँ मैम, ये बता रहे हैं जो मुसीर पठान जी हैं, ये सही बता रहे हैं। और जो युवा स्कूल के लिए भी बेचारे नौकरी के लिए परेशान है, वो तो गठबंधन को लाना चाहते हैं वापस। आप किस पर दाव खेलेंगे? ये तो जनता बताएगी सर, जनता बताएगी मैम। ये तो आप भी तो जनता ही चाहते हैं कि आप भी तो जनता ही हैं। एक एक वोट कीमती है। हम लोग तो ये कहेंगे कि बदलाव आए। हम भी ये कहेंगे कि बदलाव हो। कैसे आए बदलाव, ये भी तो सोचा होगा आप लोगों के हाथ में है बदलाव लाना। बदलाव लाएंगे मैम, सबसे ज्यादा आप तो प्रचार चल रहा है, देख रहे हैं। प्रचार जुमलेबाजी भी हो सकता है जी? प्रचार तो जुमलेबाजी भी हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है कि जो फ्री बिजली की बात की जा रही है, युवाओं को नौकरी की बात की जा रही है, वो सही साबित हो, इन 5 सालों में सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। ऐसे तो ये जुमलेबाजी तो हो रही है मैम, अब तो पब्लिक जब भी चाहती है ना, पब्लिक तो चाहती है कि बदलाव हो। बदलाव हो, वो बदलाव किस तरह हो ये जनता नहीं समझ पा रही है। लेकिन जनता समझ पा रही है जब रोजगार नहीं है। अच्छा, जो विधायक रही हैं विमला सिंह सोलंकी, क्या वो अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करती हैं, उनकी समस्याएं जानती हैं? क्या आपकी मुलाकात कभी हो पाई है विधायिका से? जी हमारी मुलाकात ना हो पाई, हम गए भी थे एक दो मीटिंग में, तो वे मीटिंग में पहुंची, वहाँ जैसे सवाल करे तो उन्होंने कहा कि विकास हमने इतना करा है, हमारी वजह से इतना विकास हो भी गया, अन्य इतना विकास भी नहीं होता है। अच्छा, तो कितना विकास कराया है आप, क्या बता सकते हैं? क्या आप कुछ बता सकते हैं कि कितना विकास विधायिका जी ने करवाया है? कुछ सड़कों का निर्माण कराया हो, युवाओं को नौकरी दिलवाई हो, या इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ किया हो, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कुछ किया हो? आपने विजुअल भेजोगे रिपोर्टर साहब ने, आपने देखा होगा सड़कों में गड्ढा कितना है, वो जाम की समस्या भी कितनी है। सड़कें मैंने देख लिया, गांव के रास्तों के भी विजुअल आपने देखे होंगे। मैं नहीं, विधायिका जी ने कितना काम कराया आप मुझे बता दीजिए ना। जब विधायिका जी ये बोलती हैं कि हमने तो बहुत काम कराया है, तो आप आम जनता हैं, आपको भी तो दिख रहा होगा ना कि कितना विकास हुआ है। 10 सालों से विधायिका है, विकास के ऊपर ही तो चर्चा होगी कि एक बुजुर्ग उनसे बोले कि आपने हमारे गाँव में अब तक ये रास्ता नहीं लगवाया, उसी के ऊपर तो ये विमला जी एकदम खड़ी हो गई थी। एक वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हो रहा था अभी 8-10 दिन पहले का वो वीडियो बताया जा रहा था। तो विमला जी बोली ये हमारी बदौलत इतना काम हो चुका, तो वो बोले बुजुर्ग जो थे कि देखो जी कहाँ है, बताना कहाँ है, दिखाओ, ये रे पानी भरा हुआ, ये दिखाया उन्होंने, ये पानी भरा, ये देखो। वो उन्होंने भी भड़क गई थी विमला विधायक की। अच्छा, तो आप नौकरी कर रहे हैं अभी? इसी प्रकार नहीं, जॉब भी नहीं लग पा रही मैम, इसी प्रकार के जो है जगह जगह उनका विरोध हुआ। अच्छा, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो सिकंदराबाद में समस्या नौकरी बहुत बड़ी है जी। तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप? अब तो मैम फ्री है, कुछ नहीं कर रहे, एक अपनी शॉप खोल लेगी, अपने शॉप पे बैठ जा। तो खेती किसानी कुछ घर पे रहकर करी जाती है या नहीं? मजदूरी करते हैं मैम, कभी मिलती है कभी नहीं लगती है, ऐसे ही होता है। अच्छा, चलिए ठीक है। दूसरे मेहमान जो हमारे साथ बने हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि खेती किसानी को लेकर यहाँ का युवा क्या सोच रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि इस बार बजट में भी इसका जिक्र किया गया है कि आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए अलग से बजट आए, से पहले भी बजट में ये जिक्र किया गया था। क्या आप विश्वास जता पा रहे हैं युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कृषि की तरफ? नहीं मैम, खेती किसानी की जहाँ तक बात है,
आप स्वाद जाकर देख लीजिए कि 7 बीघे के गेहूं के गेहूं। पहले आप एक बार अपना नाम और बता दीजिए, मैं आपका नाम बार बार भूल रही हूँ। एक बार अपना नाम बताइएगा। मुशीर पठान। चलिए ठीक है, आप बताइए कि कृषि को लेकर यहाँ का युवा क्या सोचता है, क्योंकि रोजगार नहीं है। जैसा कि अभी दूसरे मेहमान हमारे साथ बने, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि उनके पास भी नौकरी नहीं है, तो क्या कृषि को लेकर कुछ सोचा है कि खेती किसानी करेंगे? कृषि में क्या मिल रहा है? सुबह 7 बीघे के गेहूं में से पहले ढोरों को भगाने पड़ रहे हैं, गाय बैल इतने छुट्टू फिर रहे हैं कि जबकि 2 औरत गांव में घायल कर दी। आप आन के खेतों का हाल देखो और खाद लेने बुझाओ, यूरिया लेने बुझाओ, 1480 रुपए का दे रहे हैं, विदाउट सब्सिडी दे रहे हैं। तो आप ये समस्या बताइए ना, यही तो जानने के लिए खास चर्चा में मैंने आप लोगों को बुलाया है। आप समस्या बताइए, आवारा पशु भी एक मुख्य समस्या है आप लोगों के यहाँ, ये बताइए। आवारा पशु भी एक मुख्य समस्या है आप लोगों के यहाँ? आवारा पशुओं की हो रही है। मेरी आवाज क्या ठीक तरीके से पहुंच पा रही है आप लोगों तक? जी पहुंच रही है। सबसे बड़ी समस्या आवारा पशु की हो रही है। और आप अभी यूरिया लेने को चले जाओ, पहले आधार कार्ड दिखाओ, फिर 1480 रुपए दो, फिर सब्सिडी ना है, नमक का कट्टा गेल दे रहे, तो बताओ कहाँ से कृषि कर लेगा युवा? अच्छा जी, तो ना कृषि किसानी खेती हो पा रही है, ना रोजगार है, तो यहाँ का युवा आखिर क्या करे? ये समस्या क्या आप लोगों ने अपने विधायिका से कही है, क्योंकि वो लगातार 10 सालों से इस पद पर है? समस्या यो विधायक जी को मिलने का टाइम तो है ना, समस्या था जब निकले, मिलने का समय नहीं है उनके पास जी। कभी आती है अपने क्षेत्र में, भ्रमण करती है, लोगों से मुलाकात करती है? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जितने पुरुष हैं उतनी महिला वोटर्स भी हैं, महिलाओं से तो मुलाकात करती होंगी, उनकी समस्या जानती होंगी? हाँ, महिलाओं से मुलाकात करती होंगी जी, उनकी समस्या वगैरह जानती होंगी। युवा तो जितने उत्तर प्रदेश का परेशान है, उससे ज्यादा सिकंदराबाद विधानसभा का परेशान है जी। अच्छा, इसके अलावा पानी की व्यवस्था है पर्याप्त शहरी इलाकों में? बिजली सही आ रही है? हाँ, पानी की पूरी व्यवस्था, सीवर लाइन पूरी लीकेज हो जा, हर हफ्ते लीकेज हो रही है सीवर भी। अच्छा, ये भी समस्या है, तो आप लोग समस्या खुलकर क्यों नहीं बता रहे हैं? नहीं, हमने आपको सभी समस्या बता दी। सबसे बड़ी समस्या की उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की, इंजीनियरिंग कॉलेज की। स्वास्थ्य विभाग की क्या समस्या है? अस्पताल नहीं है क्या यहाँ पर? अस्पताल की आप हालात देख लेंगे आने के, तो ये कहेंगे कि भाई क्या हालात, यहाँ से दिल्ली पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, रोड की इतनी बड़ी समस्या कि मरीज रास्ते में एकदम तोड़ जाएगा। अच्छा, आसपास कोई बड़ा अस्पताल भी नहीं है? कोई फैसिलिटी नहीं है, नोएडा पहुंचते रोड देख लो, कोर्ट के पुल के पार करते ही आधा घंटा लग जा। ठीक है इकरान जी, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो सिकंदराबाद की सड़क क्यों इतनी खराब है? विकास के लिए तो इनका विरोध किया है विधायक जी का, जब विधायक जी का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि विकास ही नहीं हुआ, जगह जगह इनका विरोध ही हुआ। विधायक बनने के बाद में क्षेत्र में इन्होंने कोई धोरा नहीं किया, इसलिए जनता नाराज है। जनता नाराज है। महिलाओं से मुलाकात क्या विधायिका करती है, क्योंकि वो खुद भी एक महिला है, उनकी समस्या जानती हैं? महिलाओं से पता ना कब मुलाकात करी थी, हमारे सामने तो मुलाकात हुई नहीं। अच्छा, मतलब क्षेत्र में भ्रमण कम ही करती हैं विधायिका जी। ये बताइए कि योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिला है, आपके घर वालों को या आप लोगों को कोई भी योजना का लाभ? योजना का लाभ ज्यादातर जो है जो आसन वासन का योजना का लाभ मिला है जी। योजना का लाभ बस यही मिला है, गेहूं चावल, मतलब जो राशन है वही मिल रहा है, उसके अलावा कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिला है आप लोगों को? कोई योजना का वो भी पूरी तरह वो भी नहीं मिल पा रहा है। सिकंदराबाद में इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन विधायिका जी आंखें बंद करके बैठी हैं, बहुत बड़ी विडंबना है। 10 सालों से विधायक है लेकिन उसके बावजूद भी सड़कें तक नहीं बनी हुई हैं। ये सिर्फ शहरी इलाकों का हाल है या ग्रामीण इलाकों में सब ठीक है या उससे भी बदतर है? आप ग्रामीण इलाके से आती हैं शहरी इलाके से?
मैं शहरी इलाके से हूँ जी। तो शहरी इलाकों में ये हालात हैं, ग्रामीण इलाकों के क्या हालात हैं, कुछ पता है आपको? इनका विरोध ग्रामीण में भी, एक मिनट, मुर्शीद जी कुछ कह रहे हैं, मुर्शीद जी बताइए। ग्रामीण इलाकों में ये हाल है कि 2 किलोमीटर सिकंदराबाद सिरोंदन रोड है, सिरोंदन रोड पर गड्ढे इतने हैं कि योगी जी भी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो, लेकिन सुरेंद्र रोड देख लीजिए, केसुपुर देख लीजिए आप, और जितने बाजू में चंदेरू बिलसूरी इन गाँवों के रोडों की हालत बहुत बदतर हो रही है। देखिए, हम जब भी किसी विधानसभा से जुड़ते हैं ना, सबसे पहली जो शिकायत होती है आम जनता की वो यही होती है कि सड़कें जो हैं वो बदहाल हालत में हैं। लेकिन अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें, जब योगी सरकार सत्ता में आती है, तो सबसे पहला जो उनका भाषण था उनमें यही कहा था योगी आदित्यनाथ ने कि हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। लेकिन समस्या बार बार सड़कों के गड्ढों की ही आ रही है, ऐसा क्यों? गड्ढों की समस्या इसलिए आ रही है, अभी आपने देखा होगा सिकंदराबाद विधानसभा में पूर्व सांसद महेश शर्मा वोट मांगने गए थे उलेढ़ा गांव में, वहां पर अखिलेश यादव जी के नारे भी लगाए जनता ने इनके सामने, और इन्हें खदेड़ा भी, केवल इसलिए कि विकास ना होने की वजह, बेरोजगारी बढ़ने की वजह। तो चुनाव में वोट मांगने ही आए थे महेश शर्मा या पहले भी आते रहते हैं? अभी बस अभी आए थे, 1 हफ्ते पहले का वीडियो वायरल हुआ था, वो आप पर भी पहुंचा होगा। तो वो अभी हमने तो चेहरा अभी देखा, इन 5 सालों में नहीं आए वो एक बार भी देखने के लिए कि हाँ विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं, कोई खबर ही ना लीजिए, कोई खबर नहीं ली, कुछ नहीं पूछा ना देखा, तो वोट मांगने कैसे आ गए फिर? इसलिए तो विरोध हुआ, उन्होंने कोई पूछा नहीं। अच्छा, तो आप लोगों ने अब क्या मन बना लिया? देखिए, आखिरी सवाल आप दोनों से मैं पूछ रही हूँ, अब क्या मन बनाया आप लोगों ने, क्या करने वाले हैं, क्या परिवर्तन चाहिए आप लोगों को, गठबंधन पर विश्वास जता रहे हैं? देखो, एक बार विश्वास कर देखते हैं, जैसे कि अखिलेश और जयंत चौधरी बोल रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे और विकास की राह पर चलेंगे, अच्छा भाईचारा एकता बनाए रखेंगे, अब के हमने गठबंधन और समाज, ये जो समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन है, अब के इस पे विश्वास करके मन बना लिया है हमने अपना। ठीक है, इकरांग जी आप बताइए कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या गठबंधन पर विश्वास जताएंगे, आपके इलाके में जनता क्या सोच रही है? आखिरी सवाल। हमारे जनता जो हमारे इलाके से सोच रही है, जनता सोच रही है कि आपके प्रत्याशी बदला है और इस पे विचार करेंगे। तो परेशानी क्या विधायिका से है या बीजेपी से ही परेशानी है? जी, विधायक से ही परेशानी, जब विधायक बनने के बाद में वो आई नहीं है तब भी। पार्टी से कोई परेशानी नहीं है? नहीं, पार्टी से कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिकंदराबाद विधानसभा से आम लोग मेरे साथ जुड़े थे, जानने की कोशिश की थी कि यहाँ पर हालात कैसे हैं। तो जो समस्या थी वो बताई गई है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार घर बैठे हुए हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं है। इसके बाद जो किसान है वो भी परेशान है, सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, यानी कि विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर 10 सालों से लगातार विमला सिंह सोलंकी विधायक रही हैं और इस बार अगर वो जीती, हालांकि बताया है कि उनका टिकट कट चुका है, प्रत्याशी बदल चुका है, तो ऐसे में पार्टी से नाराजगी नहीं है, विधायक से नाराजगी है। लेकिन इसका कितना असर बीजेपी पर पड़ेगा या गठबंधन कितना पसंद लोगों को आ रहा है, ये तो हमें 10 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल फिर इतना ही, कल फिर लौटेंगे अलग अलग विधानसभाओं के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां के हालात कैसे हैं, जनता ने क्या मन बनाया है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।